अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लेक्चर नंबर वन आप लोगों ने देखा समझा। अच्छा, अब हम जा रहे हैं लेक्चर नंबर टू में एक्सरसाइज सॉल्व करने। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू सेट चैप्टर नंबर वन का एक्सरसाइज वन ए सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर वन में क्या है, पिक आउट द वेल डिफाइंड सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेट्स। इस सेट्स गिवन है, इसमें आपको जो वेल डिफाइंड सेट्स है वो आपने बताने हैं कि कौन से वेल डिफाइंड है, कौन से सेट जो है वो नॉट वेल डिफाइंड है। सही। अब यहाँ पर जो है वो वेल डिफाइंड सेट्स क्या होते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। जो क्लियरली डिफाइंड हो, यानी जो सेट अगर कोई गिवन है तो उसे उसमें जो भी स्टेटमेंट हो उसे सही पता चल रहा हो कि भाई इस सेट में कौन से ऑब्जेक्ट आते हैं। यानी अगर क्रिकेट किट लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली उसमें क्या क्या ऑब्जेक्ट्स होंगे, बैट बॉल या विकेट, ये सारी चीज़ें होंगी। और अगर बुक्स का सेट है तो उसके अंदर बुक्स ही होंगी, कोई और ऑब्जेक्ट्स नहीं होंगे। ठीक, तो सेट्स को वेल डिफाइंड होना ज़रूरी है। ठीक, अच्छा अब यहाँ हम देख लेते हैं कि पार्ट वन में क्या है। सेट ए गिवन है, टेस्ट क्रिकेट कैप्टन्स ऑफ पाकिस्तान। इन्होंने बता दिया है कि पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेट कैप्टन्स जो हैं उसका सेट है ये। तो क्या ये वेल डिफाइंड है, इससे आपको समझ आ रहा है कि इसके अंदर क्या ऑब्जेक्ट्स होंगे, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स होंगे। बिल्कुल, तो ये सेट जो है वो वेल डिफाइंड सेट है। तो इस पार्ट को उतारने के बाद रजिस्टर में उसके नीचे लिख दीजिए वेल डिफाइंड सेट्स सेट। ठीक है, पार्ट बी देख लीजिए, टेस्टी फूड आइटम्स, क्या ये वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड तो नहीं है, क्योंकि हमारे अगर आपके जहन में इसको देखकर बर्गर या ब्रोस या इस तरह की फ़ास्ट फूड आ रहे हो, तो मेरे जहन में इसको देखकर आ रहा है कि नहीं, टेस्टी फूड तो हलीम और बिरयानी और इस तरह की है, तो ये कोई क्लियर डिफाइंड नहीं है। तो इसके नीचे आप क्या लिखेंगे, नॉट वेल डिफाइंड सेट। ठीक है, अच्छा पार्ट थ्री में सेट सी दिया हुआ है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान। जी, वेल डिफाइंड है, बिल्कुल है, क्योंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स का सेट है ये। ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड सेट है। सेट डी इज़ इक्वल टू नॉटी स्टूडेंट्स इन योर क्लास। आपकी क्लास में जो नॉटी स्टूडेंट्स हैं उनका सेट, तो मेरे जहन में तो भाई आ रहा है कि भाई नहीं, उस क्लास में अगर आ रहा है मेरे जहन में कि दो स्टूडेंट नॉटी हैं, तो दूसरा क्या है, नहीं नहीं जो है वो उस क्लास में तो बहुत सारे बच्चे नॉटी स्टूडेंट्स हैं। तो जो है वो एक कहेगा नहीं नहीं तीन चार बच्चे हैं, तो ये भी कोई सेट जो है वेल डिफाइंड नहीं है। तो इसके नीचे जो है आपने नॉट वेल डिफाइंड सेट लिखना है। ठीक है, पार्ट ई देखें, मैथमेटिक्स टीचर्स इन योर स्कूल। आपके स्कूल में मैथमेटिक्स के टीचर्स कौन हैं, फौरन आपके जहन में उन टीचर्स के नाम आ जाएंगे, है ना। तो ये कौन सा सेट है, वेल डिफाइंड सेट। एफ सेट दिया हुआ है, लार्ज नंबर्स। अच्छा, लार्ज नंबर्स अगर मेरे जहन में आ रहा है कि थाउजेंड्स वाले सारे लार्ज नंबर्स होंगे, दूसरे कहे नहीं भाई करोड़ है, दूसरे तीसरा कहे लाख बिलियन ट्रिलियन जिलियन, तो हमें नहीं पता कितने लार्ज नंबर्स का सेट है ये। ठीक, तो ये भी क्लियरली डिफाइंड नहीं है, तो इसके नीचे आप क्या लिखेंगे, नॉट वेल डिफाइंड। आगे देख लीजिए, सेट जी इज इक्वल टू कैपिटल प्रोविंस, कैपिटल ऑफ द प्रोविंस यू लिव इन। आप जिस प्रोविंस में रहते हैं उसके कैपिटल का नाम, हम किस प्रोविंस में रहते हैं, सिंध में, और उसके कैपिटल का नाम क्या है, कराची, है ना। तो हमें पता है कि इस सेट में कौन सा मेम्बर आएगा, तो ये भी वेल डिफाइंड सेट है। सेट एच इज इक्वल टू गेम्स यू लाइक प्लेइंग। इसमें बोला हुआ है कि जो आपको पसंद है गेम्स उसका सेट है। ठीक, तो बिल्कुल वो सेट बन सकता है। अगर सिर्फ ये लिखा होता कि गेम्स लाइक टू प्ले, तो ये वेल डिफाइंड नहीं होता, क्योंकि इसमें बताया ही नहीं किसको पसंद है, किसको नहीं पसंद है, किसको कोई गेम पसंद है, किसी को कोई। लेकिन यहाँ पर जो बुक में अभी जो सेट एच है, इसमें साफ क्लियरली बताया कि आपको जो गेम पसंद है खेलने में उनका सेट है। तो इसके नीचे भी क्या लिखेंगे, वेल डिफाइंड सेट। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। जी, इफ़ सेट पी इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सेट क्यू इज इक्वल टू ए बी सी डी, राइट द सिंबल्स। और ये कौन सा सिंबल है, याद है आपको, ये बिलोंग्स टू का है और ये डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, राइट द सिंबल्स बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक्स टू मेक द स्टेटमेंट्स ट्रू। ठीक है, ये ब्लैंक्स जो गिवन है, इसमें आपको स्टेटमेंट्स जो दिए हुए हैं इनके ट्रू बनाने के लिए आपको सही सिंबल जो है वो डालना होगा। फॉर एग्जाम्पल, पार्ट वन में क्या है, टू डैश सेट पी, क्या टू सेट पी से बिलोंग करता है,
चेक करते हैं, केरा सेट बी आपके पास और इसमें क्या टू मौजूद है? जी बिल्कुल मौजूद है। तो ये जो है वो इसमें आपने कौन सा सिंबल डाल देना है, ये वाला, ठीक है, बिलोंग्स टू का। इसी तरह पार्ट टू देखें, क्या 5P से बिलोंग करता है? बिल्कुल नहीं करता, सेट पी में 5 मौजूद नहीं है, तो यहाँ कौन सा सिंबल लगा देंगे आप, डज नॉट बिलोंग्स टू का। इसी तरह सारे आपने देख लेने। पार्ट थ्री में देखें, ए पी से बिलोंग करता है, पी तो पी में तो नंबर्स का सेट है, ये तो अल्फ़ाबेट बोला हुआ है कि ए पी में है मौजूद या नहीं, तो यहाँ कौन सा सिंबल आ जाएगा, डज नॉट बिलोंग टू। इसी तरह आप जो है 6 के 6 पार्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देख लें, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ऑल्सो नेम द सेट्स ए बी एंड सी। यानी यहाँ पर आपको ना सिर्फ जो है वो सेट बनाना है बल्कि उसके नाम भी लिखने हैं, ठीक है। पार्ट 1 देख लीजिए, काउंटिंग नंबर्स लेस देन 10। यानी यहाँ पर आपको सेट बनाना है, तो आप सपोज़ कोई सा इन्होंने कहा है कि नाम भी उसका रखें, तो आप सपोज़ यहाँ पर सेट ए लिख देते हैं, उसे पार्ट 1 उतार कर उसके नीचे नेक्स्ट लाइन में आप क्या लिखेंगे, ए इज़ इक्वल टू सेट बनाइए, क्या बन जाएगा इसमें, काउंटिंग नंबर्स लेस देन 10 कौन से आ जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 तक आएंगे ना, लेस देन 10। तो हमने सारे लिखने के बजाय अगर हम शुरू के चंद नंबर लिखकर और डॉट डॉट लगाए आखिरी का जो नंबर है वो लिख देते हैं 9 और ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, तो ये आपका जो है वो आंसर हो गया। पार्ट 2 देख लीजिए, क्या लिखा है, वॉवल्स इन द वर्ड इमेजेस। यानी इस सेट ऐसा सेट बनाना है आपने जिसमें ये इमेजेस में जितने वॉवल्स हैं वो आने चाहिए उसमें। तो सपोज़ इस सेट का नाम मैं लिख देती हूँ सेट वी, है ना, इन्होंने कहा हुआ है कि उस सेट का कोई नाम भी लिखे, तो सेट वी इज़ इक्वल टू इमेजेस में कौन कौन से वॉवल हैं, आई है, बिल्कुल है, मैंने आई डाल दिया, एम है, नहीं है, इस सेट में नहीं आएगा, ए वॉवल है, लिख दीजिए, जी वॉवल है, नहीं है, तो नहीं आएगा, ई वॉवल है, बिल्कुल है, एस है, वॉवल नहीं है, तो इस सेट में ये 3 एलिमेंट्स आ गए। इसी तरह अगला जो पार्ट है, पार्ट 3, लेटर्स ऑफ द वर्ड मैंगो, इसका भी कोई सेट का कोई सा भी आपने लेटर जो इंग्लिश लेटर है कैपिटल उनका नाम लिखकर और ये एलिमेंट्स डाल देने, कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे इसमें, m, a, n, g, o, ठीक। अगला जो है वो पार्ट देख लें, क्या है इसमें, कलर्स ऑफ द नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग में हमारे कौन कौन से कलर आ जाते हैं, ग्रीन और वाइट, तो आपने सेट का नाम लिखकर और कर लिए ब्रैकेट्स के अंदर क्या लिख देंगे, ग्रीन कॉमा वाइट। पार्ट 5 देख लीजिए, नंबर्स लेस देन 25। इस ऐसा सेट बनाना है जिसमें 25 से छोटे नंबर आ रहे हों लेकिन जो कि 5 से भी डिवाइड होते हों। तो हमने सेट का नाम लिख दिया, सपोज़ इसका नाम लिख दिया हमने n, ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या डालना है, हमने ऐसे नंबर जो 5 से डिवाइड होते हैं लेकिन 25 से छोटे हों, तो क्या 1 5 से डिवाइड होता है, नहीं, 2 नहीं, 3 4 नहीं, 5 होता है 5 से डिवाइड, बिल्कुल होता है, ठीक है। क्या 6 7 8 9 होते हैं डिवाइड, नहीं होते, तो आपने 9 तक तो नहीं आएगा, 10 डिवाइड होता है 5 से, बिल्कुल होता है, ठीक है। इसी तरह 11 12 13 14 5 से डिवाइड नहीं होते, फिर कौन सा होता है, 15, फिर 15 के बाद 20 जो है 5 से डिवाइड होता है, फिर 20 के बाद 25, लेकिन 25 क्यों शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है ऐसे नंबर जो कि 25 से छोटे हों और वो 5 से डिवाइड होते हों, तो 25 से छोटे कौन से हैं, यही हैं 5, 10, 15, 20, सही। अगला पार्ट देख लें, कलर्स इन द रेनबो, ऐसा सेट बनाना है जिसमें रेनबो के कलर्स लिखने हैं। आपको पता है रेनबो में कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं, तो वो आपने इस सेट में बना देना है, ठीक है, सारे लिख लेने कोई सा भी नाम लिख कर सेट का। मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 15, मल्टीपल्स ऑफ 3 का मतलब जो भी नंबर्स समझे 3 के टेबल में आते हैं, ठीक, तो लेकिन शर्त ये है जो 15 से छोटे हो। तो मैंने सेट M सपोज बना लिया और मैंने उसमें एलिमेंट्स डाल दिया, 3 के टेबल में क्या आता है, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12,
3 5 15, क्या 15 को डालेंगे? नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा है 15 से छोटे वाले लिखने हैं मल्टीपल्स, तो बस 12 तक आ जाएंगे। ठीक, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला देख लीजिए, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म सेट्स, यानी आपको सिर्फ यहाँ बताना है कि कौन से जो हैं इनमें से जो हैं उनके सेट बन सकते हैं या नहीं बन सकते, सिर्फ आपको ये बताना है, सेट बनाने नहीं है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल पार्ट वन देख लें, स्ट्रॉन्ग पीपल इन अ टाउन, यानी क्या ऐसा सेट बन सकता है जिसमें आपके टाउन के स्ट्रॉन्ग पीपल का नाम आ जाए? नहीं बन सकता, क्योंकि अगर एक आदमी कहेगा कि इस टाउन में जो है वो स्ट्रॉन्ग पीपल जो है वो 10 हैं, दूसरा कहेगा नहीं नहीं वो तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तीसरा कहेगा नहीं और जो है वो मेरा एक जानने वाला दोस्त है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, चौथा कहेगा, तो ये भी कोई क्लियरली डिफाइंड सेट नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या लिखना है यहाँ, इसके नीचे लिख दिएगा सेट्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड, यानी आपने ये वाला जैसे पार्ट उतारा और इसके नीचे लिख देंगे सेट्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड। सही, अच्छा अगला देख लीजिए, मेंबर्स ऑफ अ प्रोविंशियल असेंबली, बन सकता है सेट? जी बन सकता है, तो आपने यानी प्रोविंशियल असेंबली के जितने भी मेंबर्स हैं उनका सेट बन सकता है, तो आप कहेंगे सेट कैन बी फॉर्म्ड। अगला देख लें फोर्थ पार्ट, फेमस फिल्म एक्टर्स, अब हमें नहीं पता कौन सी कंट्री के और कौन से लैंग्वेज के और किस ज़माने के, तो ये भी कोई इसका सेट नहीं बन सकता। ठीक है, पार्ट फाइव देख लें, रिवर्स ऑफ पंजाब, बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, तो आप क्या लिख देंगे इसको उतारने के बाद इसके नीचे आपने क्या लिख देना है, सेट कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, पार्ट सिक्स देख लें, ऑनेस्ट पीपल ऑफ अ नेबरहुड, आपके नेबरहुड में कितने ऑनेस्ट पीपल हैं, तो इसका भी आपको क्लियरली नहीं पता है, तो ये जो इसके नीचे भी आप क्या लिखेंगे, सेट कैन नॉट बी फॉर्म्ड। ठीक, तो ये एक्सरसाइज 1A कंप्लीट हो गई है, जल्द से जल्द इसको, बहुत आसान है, अपनी कॉपी में या रजिस्टर में कर लीजिए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।